तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में सेफ और एंजॉय करें। पर फिर से आ गए तो रिकी एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज है 13 मई और आज हम इलाहाबाद से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। सो अभी मैं बहुत काफ़ी लेट उठा था और ठीक कल रात को शाम को पैकिंग करी थी, क्योंकि कल पूरे दिन भर यहाँ पे कुछ जनरेटर जो था बर्स्ट हो गया था, तो उस चक्कर में यहाँ पे लाइट नहीं थी पूरे दिन भर। सो इन्वर्टर भी बोल गया था। उसके बाद हम काफ़ी लेट में हम घर से निकल गए थे गाड़ी में, और गाड़ी घूमे हुए इधर उधर, फिर घर पे आके पैकिंग करी तो काफ़ी थक गए थे। आज हम निकलने वाले हैं यहाँ से दिल्ली, और हमारी ट्रेन जो है तो हमने बहुत कोशिश करी, बट हमारे क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था, हम फ्लाइट से जा नहीं सकते। और जो कोई ट्रेन हमें मिलनी रही थी, सो हमें फाइनली एक ट्रेन मिली, हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसमें हमारा टिकट बुक हुआ है। और देखते हैं, काफ़ी टाइम बाद ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। एंड अब कल हम जब दिल्ली पहुँचेंगे उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। सो ये देख सकते हो आप, उधर कुछ सामान पैक हो गया, इधर ये सब कुछ तो पैक हो ही गया है, एंड अभी काफ़ी सामान बचा है। सो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा हमें सामान पैक करने में। ये दो बैग तो पैक हो गए हैं और देखते हैं कितना और टाइम लगेगा। सो फाइनली सामान पैक करने के बाद हम हो चुके थे रेडी, और हम निकल चुके थे संगम नगरी इलाहाबाद से अपनी मंजिल दिल्ली की तरफ, जो कि हमें ले जाएगा दिल वालों की दिल्ली। सो गाइस, दिल्ली तो नहीं जा रहा मैं, जा रहा हूँ वैसे नोएडा, मुझे जाना है, बट हमारी जो ट्रेन का टिकट हुआ है वो दिल्ली तक हुआ है। सो इसलिए मेरी ट्रेन जाएगी दिल्ली तक, और हम वहाँ से वापस आएंगे नोएडा, और हम करेंगे अपने घर को सर्च, रूम फ्लैट अपना जो सर्च करना है उसके लिए हंट स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो में आने वाला है बहुत मज़ा। सो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को बहुत देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। सो हम बैठ चुके थे अपनी ट्रेन हमसफ़र एक्सप्रेस में, जो कि हमें ले जाएगी दिल्ली। सो यहाँ से दो हमसफ़र चलती हैं, एक चलती है आनंद विहार और एक चलती है दिल्ली। सो ये डायरेक्ट वहीं रुकेगी, दिल्ली में ही रुकेगी, और इसमें आई थिंक स्लीपर ही है टोटल, तो हमें भी स्लीपर नहीं थर्ड एसी ही है टोटल पूरी ट्रेन, तो हमें मिली थी। बट मेरे को अंकिता को दोनों को ही अपर सीट मिली, तो हम बट इसी तरीके से एडजस्ट करके सो गए थे, और फाइनली हम पहुँचेंगे सुबह मॉर्निंग में दिल्ली। तो हम पहुंच चुके थे दिल वालों की दिल्ली में। सो अब हम यहाँ पे सुबह ही पहुंच गए हैं, 6:15 का टाइम हो रहा है। सो अब हम यहाँ पे रुक के, और यहाँ पे जो रेलवे लॉन्च होता है वहाँ पे रुकेंगे, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर नहीं, करीब 2-2.5 घंटे हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही हमें होटल में चेक इन मिलेगा, क्योंकि अर्ली चेक इन के लिए हमें कोई भी होटल अवेलेबल नहीं हो रहा था नोएडा में। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, और फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेश होके हम बढ़ेंगे अपनी मंजिल नोएडा की ओर। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं नोएडा। हम सुबह 6:10 पे हमारी ट्रेन आ गई थी, सो हमें जल्दी अर्ली चेक इन नहीं मिला था। सो अभी हम जहाँ रुकना चाह रहे थे वहाँ पे हमें अर्ली चेक इन की फैसिलिटी नहीं मिली थी। सो अभी हम आ गए होटल में, आप देख सकते हो, और अभी हमें बाहर बैठाया, अभी 9:30 हो रहे हैं, और इन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम और लगेगा रूम रेडी करने में। सो हम थोड़ा बैठे हैं, और बहुत टायरिंग था, क्योंकि हम सुबह स्टेशन पे 2-2.5 घंटे वहीं रहे, वहीं हमने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद अभी यहाँ पे आए हैं। अंकिता भी ये बैठी हुई है, देख सकते हो, सारी अलग अलग कंट्रीज, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, इंडिया, चाइना, पता नहीं क्यों लगाए हैं। अच्छा, लोग आते होंगे ना, उनके लिए लगाया होगा ना शायद, अगर कोई आता होगा तो उनके लिए लगाया। सो अब जैसे ही हमारा रूम रेडी होगा, फिर हम जो नोएडा आए उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ शिफ्ट होने के लिए आए हैं। सो अभी हम देखेंगे कहीं पर जाके क्या हमें रूम देखना है, 2 BHK या 1 BHK, कि हम ज़्यादा सामान शिफ्ट नहीं करने जाए, थोड़ा सा ही जितना ज़रूरत का उतना सामान लेके शिफ्ट होंगे। सो देखते हैं और मिलते हैं फिर। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके थे अपने होटल रूम में, और हमें आ गई थी बहुत नींद, हम फ्रेश होके सो गए थे, अगर रात भर नींद नहीं आई थी, हम दोनों को ही नींद नहीं आई थी ट्रेन में, हम दोनों ही सो गए थे। आप देख सकते हो हम अभी अपने रूम में हैं, सारा मैं भी
कुछ कुछ हम फ्लैट्स सर्च कर रहे हैं जहाँ पे देखने के लिए, जहाँ पे हमने डिसाइड करे थे, और काफ़ी थक गए हैं। नाश्ता हमने सुबह रेलवे लॉन्च में ही कर लिया था और अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। अब देखते हैं, अब जाके हम अपनी रिसर्च शुरू करेंगे, बोल सकते हैं फ्लैट हंट शुरू करेंगे अपना, और देखते हैं कि हमें कहाँ पे फाइनली मिलता है। और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना पूरे वीडियो में, और आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, एंड मिलते हैं फिर आगे। सो फाइनली हमने अपना फ्लैट हंट स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं अभी जो हम जा रहे हैं, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसमें छोटा सा एक हॉल होता है, छोटा नहीं ठीक ठाक हॉल होता है, और इसमें आपको फुली फर्निश्ड मिलता है। आपको कुछ लाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक फ्रिज, एसी, मॉड्यूलर किचन, बेड, गीज़र, आपको सब मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा फ्लैट है, बट ये हमारी लोकेशन से थोड़ा दूर था, जहाँ हमें चाहिए था वहाँ से थोड़ा दूर था, इसलिए हमने यहाँ ना लेके, ये आपको मैं बताऊँगा, ये था गौर सिटी से भी आगे जो नोएडा एक्सटेंशन है, वहाँ पे एक मूर्ति एक जगह पड़ती है, ये वहाँ पे था। और हमें ज़्यादा मतलब रेंट के अकॉर्डिंग हमें समझ में नहीं आया, सो हमने सोचा कहीं और देखते हैं। हम एक्चुअली 2 BHK देख रहे थे, बट ये था 1 BHK काइंड जो था। हम आ गए हैं 2 BHK में, सो इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमें इस टाइप का घर चाहिए था, बट ये भी लोकेशन दूर थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोएडा में रह चुका हूँ, तो थोड़ा मैं नोएडा सेंटर के थोड़ा पास रह, मतलब ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर, बट ये लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा लोकेशन ख़राब है, बट मेरे को फील होता है कि थोड़ा सा दूर है, और मुझे थोड़ा सा फर्निश चाहिए था 2 BHK, तो मुझे वो मिलने में इशू हो रहा था। और जो फर्निश मिल रहे थे उनका रेंट बहुत ही हाई था, पता नहीं क्या हो गया अचानक से इतना रेंट हाई क्यों गया। मुझे लग रहा है जब से कोरोना की जो भी पाबंदियां थी वो ख़त्म हुई है, उसके बाद लोगों ने रेंट पे आना स्टार्ट करा, अपने घरों से वापस आना स्टार्ट करा, तब से रेंट को ज़्यादा ही मतलब आसमान छू रहा है। तो लोग अपने हिसाब से जितना हो रहा है अपने मन के हिसाब से रेंट मांग रहे, बट हमें यहाँ पसंद नहीं आया। सो अब जो भी देखते हैं, जो आगे हमें पसंद आएगा वो अब आगे जाके ही पता चलेगा। मेरे को जो एरिया अच्छा लगता है वो है नोएडा सेक्टर 119-120 के आसपास, क्योंकि वहाँ से इजीली आप नोएडा सिटी सेंटर, आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, गाज़ियाबाद या एयरपोर्ट, तो मुझे बहुत सही लगता है वो एरिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ तो मेरे लिए फैमिलियर है। सो अब देखते हैं आगे हम जाएंगे अपनी जर्नी में, और हमें क्या मिलता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही। सो ऐसे ही बने रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा बहुत ही मज़ा। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ जाएँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज, आज फाइनली हम फिर सो गए थे। हम बाहर मतलब रेंट पे रूम देखने गए थे, और बाहर बहुत गर्मी थी, और हमने जो रूम्स देखे हमें पसंद नहीं आए। हम सेक्टर 119-120 इसके आसपास हम रूम देखे देख रहे थे, बट हमें पसंद नहीं आए। एंड हम फिर आए और रूम पे अपना लंच करा, और फिर आके सो गए। और गाइज आप देख सकते हो मेरी आँखें भी अभी तक रेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। फाइनली मुझे अपना वीडियो एडिट करने का कुछ टाइम मिला, ताकि मैं वीडियो एडिट कर लूँ जल्द से जल्द, और आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ जो मुझे वीडियोस हैं। और आज का दिन मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला दिन था, एंड आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप ऐसे मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिएगा, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इधर पे एक सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ज़रूर दबा दें, और मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह, एक नई थका देने वाले दिन के साथ।